नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछे मुरुक्मणी आउ देखिबा को मिलिबनी कैप्टन गोल्ड धोनी को सही अंदाज जे कोनोसे परिस्थिति रे भी शांत रहिबार कौशल विपर्जय रे टीम को संभाली नेबार कौशल सबुबेले निज मन कथा सुनी ठीक निष्पत्ति नेबार दक्षता को भी आउ देखिबा को मिलिबनी हठात टी ट्वेंटी ओ दिनिकिया अधिनायक पदरु इस्तफा दे से पुणी एही कथा को प्रमाणित करिछंती तांको निष्पत्ति अप्रत्याशित एभळी निष्पत्ति चकित करिछि प्रशंसक खेलाड़ी एवं क्रीड़ा विशेषज्ञ को केवल तांको निष्पत्ति नुहे धोनी को संपर्कित अनेक विशेष कथा को नै धोनी द टोल्ड स्टोरी अलविदा कैप्टन कूल माही को आउ देखा मिलबनी कैप्टन भूमिका रे श्रेणी के रहिबे केवल विकेट कीपर बैट्समैन पूर्वरु से टेस्ट अधिनायक दायित्व ओहरी जाइथिले एबे से सीमित ओभर अधिनायकत्व को अलविदा करिछंती धोनी को अचानक निष्पत्ति को नै एबे क्रिकेट जगत रे जोरदार चर्चा धोनी धुरंधर कैप्टन कूल ना रे क्रिकेटर अनेक टाइटल महेंद्र सिंह धोनी धोनी धमाकाधार खेल भली धमाकाधार तांकर फैसला हठात आसीब चमकाय देव एबे धोनी विकेट पछरे तो नजर आसीबे किंतु पड़िया रे निज बाहिनी को अंगुली आगे नचाइबा भूमिका रे आ देखिबा को मिलिबनी तांकु कारण धोनी आउ टीम इंडिया रो कैप्टन नहुती बरम पूर्वतन कैप्टन एबे पुणी थरे निज फैसला द्वारा चमकाई देछंती समस्तंकु भारतीय वनडे और ट्वेंटी ट्वेंटी दलर अधिनायक पदरु अवसर नेछंती से ए संपर्क रे आनुष्ठानिक घोषणा करिछि बीसीसीआई तबे धोनी कहिछंती पूर्व भली दलर साधारण खेळाळी भाबे खेळबाकु उपलब्ध हेबे धोनीक ए निष्पत्तिकु स्वागत करिछंती पूर्वतन खेळाळी सचिन ट्वीट करी कहिछंती टी ट्वेंटी और वनडे विश्वकप रे सफलता आनिथिबा दमदार कैप्टन भाबे धोनी को कैरियर को मु बधाई देउछि मु तांको आक्रामक खेलाड़ी रु ठीक और निर्णायक कैप्टन भाबे परिणत हेबार देखिछि एबे तांको सफल अधिनायकत्वर उत्सव पालन और तांको निष्पत्ति को सम्मान देबार समय क्रिकेटर सबु फॉर्मेट रे सफल रहिछंती धोनी सबु फॉर्मेट रे भारत को चैंपियन कराइबार नियारा रेकर्ड रहिछि तांको नारे खास करी वनडे और ट्वेंटी ट्वेंटी रे तांकर सफलता उल्लेखनीय धोनी मोट 169 एकदिवसीय रे अधिनायकत्व करिछंती जहां मध्यरु 110 रे भारत को मिलिछि सफलता अर्थात 55% रु अधिक विजय सेहिपरि तांको अधिनायकत्व रे खेलिथिबा 72 टी ट्वेंटी रु 42 टी रे मिलिछि विजय धोनी को निष्पत्ति एथिलागि समस्तंकु आश्चर्य करिछि कारण एते बड़ खेलाड़ी को अधिनायक भावे शेष थर पड़िया रे देखिबा लागि निजकु प्रस्तुत करि पारिलेनि तांका प्रशंसक पूर्वर मध्य 2014 रे ऑस्ट्रेलिया गस्तरे अधारे से टेस्ट अधिनायकत्वरु निज इस्तफा संपर्क रे घोषणा करिथिले तांका प्रशंसकंकु जणा पड़िलानि केतेबेले से अधिनायक भावे निज शेष वनडे और शेष टी20 खेलिले 29 अक्टोबर 2016 रे से निजर शेष वनडे न्यूजीलैंड विपक्ष रे खेलछंती सेपर निज शेष टी20 अधिनायकत्व वेस्ट इंडीज विपक्ष रे अगस्त 28 2016 रे खेलछंती तांको अधिनायकत्व रे भारत जितिछि 2011 विश्वकप 2007 रे टी20 विश्वकप जितिछि मध्य तांको नेतृत्व रे आशा करा जाउथिला चलित वर्ष आयोजित हेबाकु थिबा चैंपियंस ट्रॉफी रे से रहिबे भारतर कैप्टन किंतु ता पूर्वरु शेष होई गला कैप्टन कूल का सुवर्ण युग इंग्लैंड सीरीज रो दिनिकिया मैच आरंभ हेबाकु आ मात्र 11 दिन पूर्वरु धोनी अधिनायकत्व को अलविदा करिछंती एबे टीम इंडिया रो अधिनायक पद लागि चेहरा भी अछि चैंपियन भी अछंती बोधहुए धोनी को एभळी एक समय रो अपेक्षा थिला ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज़
दिनिकिया और 2020 अधिनायक पदर महेन्द्र सिंह धोनी इस्तफा धोनी ए अचानक घोषणा समस्त लगी एकदम अप्रत्याशित सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप परे बीसीसीआई सभापति और संपादक पद छाड़ीबा परे एबे धोनी को निष्पत्ति समस्त को दोहलाई दीछि तेबे काहेकि धोनी ए दायित्व छाड़िले ताकु नै चर्चा किए केते कथा कहुची किंतु प्रकृत कारण कौन काहेकि छाड़िले धोनी काहेकि सीमित ओवर क्रिकेट रो अधिनायकत्व पदरु विदाय नेले एहा पछर कारण कौन कौन एहा तांकर निजस्व निष्पत्ति ना तांक उपरे कोनोसी चाप थिला ना ए निष्पत्ति से भाविचिंति नै छोंते एमिति अनेक प्रश्न एबे धोनी को प्रशंसक ओ भारतीय साधारण क्रिकेट प्रेमी को मनरे उठुछे समस्त जना ए प्रश्नर प्रकृत उत्तर केवल जणे ही दे पारिबे से एवं केवल से महेन्द्र सिंह धोनी तेबे धोनी को निकटतम सांगसाथी तांको प्रिय लोक ओ तांको क्रीडा जगत ओ अन्य निष्पत्ति को निकटरु देखिथिबा केतेकंक मतामत आधार रे अनेक आकलन करा जाउछि एसबु आकलन ओ विशेषज्ञक विश्लेषण कहुछि धोनी को व्यक्तित्व साधारण नुहे से बेस समझदार और स्थिरचित्त खेलाड़ी पड़िया भितरे हेउ बा बाहरे स्थिर हृदय रे भलो भाबे भाविचिंती निष्पत्ति नियंती से एहि तांको व्यक्तित्वर विशेषता एहि तांकर यूएसपी सेथिलागी ही तांको कहा जाए कैप्टन कूल The way he's been able to keep his calm and cool under pressure, irrespective of what the situation was, whether India was losing or winning, there have been situations where India lost 4-0, you know, whitewashed, and there have been instances where India has actually whitewashed the opposition. But as far as his emotions were concerned, has always been very, very stable, which you want in a captain. You don't want captain to go emotionally up and down. But he's been absolutely fabulous in terms of controlling his emotion. No wonder he's called Captain Cool that way. गत किछि दिन धरि धोनी को प्रदर्शन निहाति खराब नहले भी सेतटा उल्लेखनीय बिनो थिला ता छडा टेस्ट अधिनायक भाबे बेस भलो प्रदर्शन करि आसुचंती अधिनायक विराट कोहली जणे खेलाड़ी भाबे मध्य विराट पाइछंती उल्लेखनीय सफलता विराट जणे युवा खेलाड़ी तंकर आगो को अनेक दिन खेलिबार अछि तेणु साथी खेलाड़ी माने तंको आड़कु ढलिबा स्वाभाविक यार प्रभाव केवल पड़िया भितरे नुहे ड्रेसिंग रूम रे मध्य अनुभव हेउथिला जहां बुझिबा धोनी को पक्ष रे आदो असंभव नुहे या प्रतीत लोधा कमिटी सुपारिश को लागू करिबा नै सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप परे बीसीसीआई रे बड़ धरणर परिवर्तन चलिछे आगकु रहिछि चैंपियंस ट्रॉफी ता पूर्वरु इंग्लैंड सीरीज नुआ क्रिकेट परिचालकंक लागि हेबो प्रकृत परीक्षा विराट को प्रदर्शन को दृष्टि रे रखी हेतो तांकु अधिक दायित्व देई पारे बीसीसीआई रो नुआ नेतृत्व धोनी जणे परिपक्व खेलाड़ी और परिपक्व व्यक्ति तेणु एपरी किछि घटिबा पूर्वरु से निज आड़ु ससम्माने अधिनायक पदरु विदाय नेले बोली तांकु जानिथिबा लोकंक मत If you remove me and the Indian cricket will start doing really well and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, you know, definitely I would love to step away and, you know, play as a player because ultimately what's more important is for the Indian team to win. It doesn't really matter who's the captain because, you know, I was never really in line to become the captain. You know, it was a job or a responsibility for me. I've taken that responsibility. It was given to me. I've taken it. They want to take it away from me. I'm happy because for me what's more important is to play for the country and, you know, try to contribute whenever we win and, you know, if we can keep the dressing room atmosphere good where the youngsters who are coming in, you know, they can come and they can perform, you know, that will be the ultimate achievement for me. धोनी को विदाई घोषणा रे से निजे कहिथिबा कथा को विश्लेषण कले जणा पडुछि धोनी निज आडू चाहुथिले भारतीय दल आगो को भलो प्रदर्शन करू चैंपियंस ट्रॉफी पूर्वरु हातरे रहिछि मात्र इंग्लैंड सीरीज रो 3टी मैच
ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିରାଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତେବେ ଦଳକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭାଳିବା ତଥା ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ସହଜ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏହା ହିଁ ଧୋନିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। देखिए वो एक बहुत सफल कप्तान है, उन्होंने सब कुछ अचीव किया है और अब शायद उन्हें लगा कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, एक यंग टीम है जिसको विराट कोहली ने बहुत अच्छे से लीड किया है टेस्ट में, तो शायद वो मौका देना चाहते थे विराट कोहली को कि वो कंटिन्यू रखें ये मोमेंटम, और इसी के मद्देनजर शायद उन्होंने कहा है कि आप लीड कीजिए क्योंकि आप अच्छे से लीड कर रहे हैं और मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा। अच्छा कप्तानी की है विराट ने इस सीरीज में, अभी जो लास्ट उनका परफॉर्मेंस रहा है बहुत शानदार कप्तानी की है और बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से की है, बहुत एग्रेसिव कप्तानी की है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हमें आपन को पुणी थरे कहि रखुछु ए सब केवल आकलन और अनुमान मात्र, हुए तो निजे धोनी ही आगामी दिन में एही गुमर ऊपर उठाई पारंती परदा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। स्पेशल रिपोर्टर समय से एक छोटा ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत। भारतर सबुठारु सफल अधिनायक निज अधिनायक करियर रे भारत को देछंती अनेक स्मरणीय मुहूर्त, नियारा स्टाइल रे मैच को निज नियंत्रण रे रखिबारे कला तांकु अन्य खेलाळी ठारु अलगा करे, बैटिंग हेउ कि अधिनायक सबुतरे तांकु मिलिछि सुंदर सफलता। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 27 ବିଜୟ 18 ପରାଜୟ ଓ 15ଟି ଡ୍ର, 169 ଦିନିକିଆରେ 110 ବିଜୟ ଓ 74 ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସେହିପରି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳିଥିବା 72ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 41ଟି ବିଜୟ ଓ 28ଟି ପରାଜୟ, ମୋଟ 331 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଧୋନି, ଯାହାକି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ସେହିପରି ପଣ୍ଟିଙ୍କ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଅଧିନାୟକ, ଏଭଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଧୋନିଙ୍କ ନାଁରେ। ପଞ୍ଚମ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ରେକର୍ଡ ବି ଧୋନିଙ୍କ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକ କ୍ୟାରିୟର। 23 ଡିସେମ୍ବର 2004 ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ। 2007 ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ଭାର ନେଇଥିଲେ ଧୋନି। ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଧୋନିଙ୍କୁ। 2007 ବେଳକୁ ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ଅଗଷ୍ଟ 2007 ଧୋନିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ। ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। 2007 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଧୋନି। ଭାରତ ଯେ ସଫଳତା ପାଇବ ଏ ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିତ ବି ଭାରତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଗଲା। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ ଜିତିଲେ ଧୋନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ସେପଟେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ସମୟ ଥିଲା 2007 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଭାରତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା। ବ୍ୟାଟିଂ ପର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହା ଥିଲା
धोनीको पाई बड़ सफलता। 4 मार्च 2008 धोनीको नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को निज देश में प्रथम थर मार देला। टीम इंडिया यह इतिहास रचिला धोनीको नेतृत्व में। 11 एप्रिल 2008 कानपुर दक्षिण आफ्रिका विरोध में अधिनायक भाव धोनीको प्रथम टेस्ट। प्रथम टेस्ट में दक्षिण आफ्रिका को भारत हराइला। अवश्य सीरीज 1-1 ड्र रही। 2 नवंबर 2008 कुंबले अवसर घोषणा पर धोनी को टेस्ट दलर अधिनायक निजुक्त करागला। 9 एप्रिल 2009 41 वर्ष पर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीतिला भारत। धोनी सफलता फर्दर जोड़ी होगला आउ एक फर्द। 6 डिसेंबर 2009 धोनी अधीन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग रे भारत हैला नंबर 1। 24 जून 2010 श्रीलंका को 81 रन में हराई प्रथम थर एशिया कप जीतिला भारत। 2011 विश्वकप पुणी इतिहास दोहराइबा को भारत उपरे चाप। अधिनायक भावे धोनी को पाई अग्नि परीक्षा। सबु दल को पछरे पकाई फाइनाल रे पहुंचिला भारत। 2 एप्रिल 2011 भारतीयों को पाई स्मरणीय दिन। फाइनाल रे श्रीलंका को मात दे भारत हैला विश्व विजेता। फाइनाल भारतर विजय पछरे धोनी को अपराजित 91 ग्रहण करिथिला प्रमुख भूमिका। छक्का मारी भारत को धोनी देइथिले विश्वकप। 1983 परे द्वितीय थर पर भारत होइथिला विश्व चैंपियन। 22 अगस्त 2011 इंग्लैंड निकटरु 4-0 रे हारिला भारत। अधिनायक भावे प्रथम सीरीज हारिले धोनी। हारिबा सह टेस्ट रे धोनी को स्थान अधिनायक पद को नहीं आरंभ हला चर्चा। 28 जनवरी 2012 इंग्लैंड परे थिला एबे ऑस्ट्रेलिया रो पाली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रे ऑस्ट्रेलिया निकटरु 4-0 रे भारत हारिला। लगातार 8 मैच रे पराजय धोनी को चिंता बढ़ाइला। 17 डिसेंबर 2012 इंग्लैंड ठारु 2-1 रे सीरीज हारिला भारत। 8 वर्ष पर घरोई माटी रे भारतर यह थिला प्रथम सीरीज पराजय। पराजय पर धोनी को समालोचनार शिकार हेबाकु पड़िला। धोनी किंतु हार मानिलेनी। 24 मार्च 2013 ऑस्ट्रेलिया को 4-0 रे हराई समालोचकों मुह को बंद करिथिले धोनी। टी20 दिनिकिया विश्वकप एशिया कप एवं टेस्ट मान्यता रे प्रथम स्थान पर एबे पाली थिला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रो। इंग्लैंड को फाइनल रे हराई चैंपियन होइथिला भारत। सबु फॉर्मेट रे चैंपियन हेबारो गौरव हासिल कले धोनी। 2014 टी20 विश्वकप रे भी भारत फाइनल रे प्रवेश कला। किंतु श्रीलंका ठारु फाइनल रे भारत को पराजयर सम्मुखीन होबाकु पड़िला। 30 डिसेंबर 2014 बॉक्सिंग डे टेस्ट परे टेस्ट अवसर घोषणा कले महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को स्थान नेले विराट कोहली। 2015 विश्वकप धोनी को नेतृत्व में सेमीफाइनाल पर्यंत पहुंचीथिला भारत। 2016 एशिया कप धोनी को नेतृत्व में द्वितीय थर पर एशिया कप चैंपियन हला भारत। 4 जनवरी 2017 उभय दिनिकिया और टी20 अधिनायक पदरु इस्तफा देले धोनी। किंतु से भारतीय दल पर उभय दल में खेल जारी रखे बोली कहते। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट रे समय छि आउ एक ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। रांची रो साधारण परिवार पुणी विश्वर अद्वितीय सफल कैप्टेन साधारण ट्रेन टिकेट कलेक्टर रु सेलिब्रिटी माही को लागी सहज नथिला ए यात्रा सहज नथिला सफलतार पहाच चढ़ीबा एथिलागी तांकर सरल जीवन और शांत भावे निष्पत्ति नेबार कला ही दायी दायी तांकर नेतृत्व नेबार नियारा शैली। July 1, 1981 झारखंड रांची रे पान सिंह एवं देवकी देवी जन्म नहीं महेन्द्र सिंह धोनी। पैतृक घर उत्तराखंड राज्यर आलमोरार भाली गांव में पिता पान सिंह मेकन कंपानी रे कनिष्ठ परिचालक रूपे कार्य करुथिबारु उत्तराखंड रांची को आसिबाकु पड़िला। धोनी निजर पाठ पढ़ा डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रे करथिले। पाठ पढ़ा समय धोनी बैडमिंटन और फुटबल भली खेल में रुचि थिला। ए खेल से जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट योग्यता अर्जन करथिले। धोनी फुटबल दलर गोलकीपर थिले।
किंतु प्रशिक्षकों कहिबा परे स्थानीय क्रिकेट दल पाई खेलिथिले। से दिनर सही क्रिकेट मैच रे धोनी को बैटिंग की बोलिंग करिबार सुजोग तो मिलि नथिला, हेले निजर उच्चस्तरीय कीपिंग द्वारा से समस्त को प्रभावित करिथिले। एहा परे से कमांडो क्रिकेट क्लब रो नियमित कीपर हेले। निजर बलिष्ठ प्रदर्शन द्वारा महेंद्र सिंह धोनी समस्त को आकर्षित कर पारिथिले, जहां फलरे तांको 1997-98 मसीहा पई 16 वर्षरो कम बिनु मंकर ट्रॉफी पई चयन करा जायथिला। 2001-2003 मसीहा पर्यंत महेंद्र सिंह धोनी मेदिनपुर खड़गपुर रेल स्टेशन रे जने रेल टिकट जांच कार्यकर्ता भाबे काम कले, किंतु सेठी रहिबा समय रे से क्रिकेट को भूली पार नथिले कि क्रिकेट थारु निजको दूरै रखि पार नथिले। टिके समय मिलिले एमिति कि कामधंदा छाडी मध्य से क्रिकेट खेळबाकू पळाउथिले। खड़गपुर पाखरे थिबा एक मिनी स्टेडियम रे अपरान्ह रे धोनी प्रैक्टिस जारी रखुथिले। 2003 विश्वकप फाइनल रे भारत जेतेबेले ऑस्ट्रेलिया रु हारी गला सेतेबेले धोनी सेही मैच देखुथिले। मैच शेषरे धोनी तांको बंधु को कहिले, मु जानिछि मु हतभाग्य, कारण मु मो क्रिकेट को आगो को बढाई पारु नाही, किंतु मोर भाग्य एते भी खराब नुहे जे आगामी 15 वर्ष मध्येरे मु निजको भारतीय क्रिकेट पोषाक रे देखि पारिबेनि। 15 वर्ष त बहुत अधिक समय, ता परर 1 वर्ष मध्येरे धोनी निजको भारतीय क्रिकेट दल रे शामिल कराइबाकू सक्षम होइथिले। 2004 मसिया डिसेंबर रे बांग्लादेश विरुद्ध रे धोनी निजर प्रथम दिनिकिया मैच खेलथिले। खेलरे निजर शांत स्वभाव एवं साधारण जीवन जीथिबा मनीष, किंतु निज हेयर स्टाइल एवं बैटिंग स्टाइल को नै सबबेले चर्चा रे अछन्ति धोनी। एपरिकि पाकिस्तान रो तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशारफ तांकु निज केसर न काटिबाकु परामर्श देथिले। महेंद्र सिंह धोनी 2010 मसिया जुलाई 4 तारिख रे उत्तराखंड डेराडून रो होटल मैनेजमेंट छात्री साखी सिंह रावत को विवाह करथिले। धोनीकर मोटरसाइकिल प्रति अहेतुक प्रेम रहिछि। सुजुकी हायाबुसा परि 10 रु अधिक मोटरसाइकिल धोनी निज घरे थिबा शोरूम रे सजाई रखिछन्ति। क्रिकेट रे निजर बलिष्ठ अवदान पई 2007-08 मसिया रे तांकु खेल जगतर सर्वश्रेष्ठ सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न रे सम्मानित करा जायछि। 2008 एवं 2009 मसिया रे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा धोनी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मध्ये पाइछन्ति। अगस्त 2011 रे द मोंटफोर्ड यूनिवर्सिटी तरफ रु तांकु सम्मानजनक डॉक्टरेट उपाधि मध्ये मिलिछि। भारतीय स्थल सेना रे धोनी को सम्मानजनक कैप्टन पद कराजबा सह भारतर द्वितीय क्रिकेटर हिसाब रे सचिन तेंदुलकर परे से सुखोई युद्ध विमान रे उड़ीबार सौभाग्य लाभ करिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समय से सोचिए हमारा स्पेशल रिपोर्ट धोनी द टोल्ड स्टोरी को एठी रखुछु। नमस्कार।